जापान के हिरोशिमा में मौजूद हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए। जापान के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता हुई है, एक बड़ी डेवलपमेंट। पीएम मोदी और किशिदा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। G7 में आमंत्रण के लिए पीएम ने फुमियो किशिदा को धन्यवाद भी दिया है। जापान के हिरोशिमा शहर में हुई द्विपक्षीय वार्ता। एक और बड़ी खबर है, पीएम मोदी और किशिदा की मुलाकात का पीएमओ पर ट्वीट भी हुआ है। भारत जापान में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा, पीएमओ की ओर से ट्वीट किया गया है। व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर हुई चर्चा। तो ये देखिए, पीएमओ की ओर से ये ट्वीट किया गया है जिसमें जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीर और उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता की फोटो भी जारी की गई है। सीमा में और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी। तो भारत और जापान में द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच G7 और G20 की बैठक को लेकर के चर्चा हुई और इससे जुड़ी जानकारी आपको बिग वॉल पर हम देते हैं। G7 और G20 की बैठक को लेकर के चर्चा हुई है। G7 समिट जो कि इस वक्त जापान के हिरोशिमा में चल रहा है और G20 की मेजबानी खुद इस बार भारत करेगा। G7 और G20 की मजबूत आवाज बनने पर जोर दिया गया। तो इस बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और विकास पर चर्चा हुई भारत और जापान को लेकर के। इतना ही नहीं, ग्लोबल पार्टनरशिप और संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, पर्यटन और विकास पर चर्चा हुई है, यानी कि भारत और जापान मिलकर के कैसे इन मुद्दों पर आगे काम कर सकता है मजबूती के साथ। इसको लेकर के द्विपक्षीय वार्ता में बैठक में चर्चा हुई है। भारत के प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे वहां पर और जापान के पीएम फुमियो किशिदा भी।